तो दोस्तों फाइनली पोको की तरफ से एफ सीरीज के अंदर एक नया स्मार्टफोन आने वाला है जिसका नाम रहेगा पोको F6 Pro 5G स्मार्टफोन जो कि चाइनीज मार्केट में रेडमी K70 नाम से लॉन्च किया गया था। और अब दोस्तों इंडियन मार्केट में पोको F6 Pro 5G नाम से 23 मई को आने वाला है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोको F6 Pro 5G स्मार्टफोन के डिजाइन के बारे में, इसके स्पेक के बारे में, साथ ही हम बात करेंगे क्या प्राइसिंग वगैरह रहने वाली है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं पोको F6 Pro 5G स्मार्टफोन के डिजाइन से। तो इस फोन का डिजाइन निकल के सामने आ चुका है। ये स्मार्टफोन कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो कि आप देख सकते हैं, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ में फ्लैश लाइट का सपोर्ट दिया जाएगा। वहीं पर फ्रंट साइड के बारे में दोस्तों बात करते हैं तो बड़ी डिस्प्ले के साथ में पंच होल कैमरा के साथ में आएगी। तो ओवरऑल दोस्तों डिजाइन वाइज काफी बढ़िया रहने वाला है। और दोस्तों डिजाइन के बाद नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी एक 6.67 इंच की डिस्प्ले। ये फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले होने वाली है जिसमें कि आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट डिस्प्ले देखने को मिलेगी। और ये डिस्प्ले में दोस्तों आपको 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी देखने को मिलने वाली है। तो इंडोर है यहाँ पे दोस्तों आउटडोर ब्राइटनेस को लेकर कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाली है। तो दोस्तों डिस्प्ले वाइज देखा जाए तो काफी बढ़िया रहने वाला है। डॉल्बी विजन और HD 10 प्लस का भी दोस्तों सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और आपको काफी अच्छा एक्शन देखने को मिलेगा, चाहे आप वीडियो देख रहे हो या फिर आप कोई कंटेंट देख रहे हो। तो दोस्तों डिस्प्ले के मामले में बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। और अगर हम बात करें परफॉर्मेंस के बारे में तो क्वालकॉम के पिछले साल के फ्लैगशिप प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा जो कि 4 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है, 15.5 लाख के करीब एंटूतो स्कोर को निकाल के देता है। तो दोस्तों परफॉर्मेंस वाइज ये स्मार्टफोन टॉप नॉच रहने वाला है और इस प्रोसेसर को दोस्तों हमने कई सारे और भी स्मार्टफोन में देखा है। तो परफॉर्मेंस दोस्तों आपको बढ़िया देखने को मिल जाएगा। परफॉर्मेंस में दोस्तों आपको कोई शिकायत देखने को नहीं मिलने वाला है। आप इस स्मार्टफोन से हाई एंड गेम भी प्ले कर पाएंगे। और दोस्तों रैम बैरेंज के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको 2 रैम आपको देखने को मिलेंगे, 8GB और 12GB। स्टोरेज ऑप्शन दोस्तों देखने को मिलने वाले हैं 256GB से लेकर 512GB तक। और दोस्तों आगे बढ़ते और बात करते हैं कैमरा के बारे में तो ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दोस्तों आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, जिसमें से दोस्तों 50MP का प्राइमरी कैमरा OIS के सपोर्ट के साथ में आने वाला है। सोनी IMX882 सेंसर आपको देखने को मिल जाएगा, 8MP का दोस्तों अल्ट्रावाइड लेंस और 2MP का माइक्रो सेंसर। सेल्फी कैमरा दोस्तों 16MP का होने वाला है जो कि ओमी विजन के सेंसर के साथ में आने वाला है। और दोस्तों इसके सेल्फी कैमरा से आप बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के सेल्फी और वीडियो कॉलिंग भी आप कर पाएंगे। और दोस्तों इसके सेल्फी कैमरा से दोस्तों आप 1080p 30fps तक मैक्स वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। और दोस्तों इसके प्राइमरी कैमरा से आप 8K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों कैमरा वाइज देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। कैमरा के लिए दोस्तों ये स्मार्टफोन काफी बढ़िया रहने वाला है। और दोस्तों बैटरी और चार्जिंग के बारे में बात करते हैं तो 5000mAh की दोस्तों आपको मैसिव बैटरी प्रोवाइड की जाएगी जिसे चार्जिंग करने के लिए 120W की फास्ट चार्जिंग। तो दोस्तों बैटरी और चार्जिंग को लेकर काफी बढ़िया रहने वाला है, 120W की फास्ट चार्जिंग दिया जाएगा तो बहुत ही जल्दी चार्ज हो जाएगा। और दोस्तों पोको ने क्लेम किया है कि 18 मिनट के आसपास ये स्मार्टफोन 100% चार्ज हो जाएगा। और दोस्तों आगे बढ़ते और बात करते हैं कुछ और उधर फीचर के बारे में तो अंडर सेंसर, यूजर टैक्सी पोर्ट, NFC का सपोर्ट और दोस्तों बढ़िया ऑडियो एक्सपीरियंस के लिए स्टूडियो स्पीकर आपको देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों इसके अलावा ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 पर रन करेगा, हाइपर ओएस देखने को मिल जाएगा जिसमें दोस्तों कस्टमाइज करने के लिए काफी सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। और अब दोस्तों बात करते हैं इसके प्राइसिंग और लॉन्च डेट के बारे में। तो इसके प्राइसिंग को लेकर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। ये स्मार्टफोन दोस्तों 23 मई को ऑफिशियल इंडियन मार्केट में लॉन्च होने जा रहा है। इसके साथ ही दोस्तों आपको और एक स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, पोको F6 5G स्मार्टफोन। बाय द वे दोस्तों आपका क्या कहना है पोको F6 Pro 5G स्मार्टफोन को लेकर, आपने राय कमेंट सेक्शन पर जरूर दीजिएगा। और वीडियो पूरा देखने के लिए आपसे बहुत बहुत शुक्रिया।